पाम ट्री। तो दोस्तों आज हम लोग पाम संडे के दिन में पाम ट्री लेने के लिए आए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पाम संडे के दिन में पाम ट्री लेने के लिए आए हैं। और आप सभी को पता है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो उनका स्वागत एक खजूर की डालियों को लेकर किया गया था। और आज पाम संडे है तो अभी पाम ट्री को भी हम लोग थोड़ा सा एक एक टहनी काटेंगे। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा पाम ट्रीज है जिसको हिंदी में खजूर की डालियाँ बोलते हैं। और पूरा काटने के लिए जा रहे हैं और भाई साहब जगह से काटना, अच्छा वाला काटना। दोस्तों ये एक और पाम ट्री हम लोग काटने के लिए जा रहे हैं जो मुलायम टहनी होता है, बड़ी मेहनत से काटना पड़ता है, तो जा रहे हैं काटने के लिए। ये देख सकते हैं ये मुलायम वाला होता है और बहुत ही फर्स्ट क्लास होता है। अब ये क्या है, ये खुलेगा, आप देख सकते हैं पूरा एक एक पार्ट खुलेगा और इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ता है। साफ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। फिलहाल हम लोग ऐसे ही लेकर के जाएंगे और एक चीज काटेंगे। पाम ट्री चोट लगी हुई चीज को उसको बहुत ही मेहनत से साफ करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जब बनेगा तो आपको इस फॉर्म में बनेगा। मैं आपको एक बनेगा तो जब ये साफ हो जाएगा तो ऐसे बनेगा। आप देख सकते हैं इतना अच्छा दिखने में लगता है। और अभी इसका हम लोग कटिंग कर रहे हैं जब इसमें बहुत सारे कांटे।